हाय एवरीवन, मैं हूँ अमृता एंड वेलकम बैक टू माय चैनल बटरकप्स। आज हम बनाएंगे बहुत ही यूनिक, हेल्दी एंड डिलीशियस एप्पल रोजमेरी मफिन्स। ये मफिन्स बहुत ही हेल्दी हैं क्योंकि इसमें ना हम मैदा यूज़ करेंगे और ना ही यूज़ करेंगे हम शुगर। तो ये क्रिसमस स्पेशल मफिन्स बहुत ही यम्मी लगते हैं। एप्पल और रोजमेरी का कॉम्बिनेशन बहुत ही फ्लेवरफुल है और हम इसे बनाएंगे ओट्स के साथ, तो ये बहुत ही हेल्दी हो जाते हैं। इसका फ्लेवर बहुत ही यूनिक और डिफरेंट है, आप एक बार इसे ज़रूर ट्राई करें। और अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। ये गर्मा गर्म ओट्स एप्पल रोजमेरी मफिन्स इस क्रिसमस के मौके पर बहुत ही यम्मी लगेंगे, तो आप एक बार इसे ज़रूर ट्राई करें। तो चलिए आइए बनाते हैं हम आज की रेसिपी। इसके लिए सबसे पहले मैंने एक पैन में 1 टेबलस्पून लिया है बटर, और हम इसमें ऐड करेंगे 120 ग्राम डाइस्ड एप्पल्स। एप्पल्स को मैंने छोटे छोटे क्यूब्स में कट कर लिया है, और इसमें ऐड करेंगे हम 2 टेबलस्पून चीनी, और इसे लो फ्लेम पर हम इसे अच्छे से पका लेंगे। और हम इसमें ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून रोजमेरी, ये मैंने ड्राइड रोजमेरी ली है, आपके पास अगर फ्रेश हो तो आप फ्रेश यूज़ कर लें। अब हम इसे लो फ्लेम पर एप्पल्स सॉफ्ट होने तक इसे अच्छे से पका लेंगे। कुछ 8 से 10 मिनट लगेंगे और एप्पल्स अच्छे से पक जाएंगे, और आप फिर हाई फ्लेम करके इसका एक्स्ट्रा जो पानी है उसे सुखा लें और इसे अच्छे से ठंडा होने दें। तो हम दूसरे बाउल में सीव कर लेंगे अपने 150 ग्राम पाउडर्ड ओट्स। ओट्स को मैंने मिक्सर में अच्छे से ग्राइंड कर लिया है, और ऐड करेंगे हम 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर और 1/2 टीस्पून बेकिंग सोडा। इसे अच्छे से हम छान लेंगे। अच्छे से हम इसे मिक्स करके साइड में रख देंगे, और दूसरे बॉल में हम लेंगे 65 ग्राम्स जैगरी पाउडर, यानी कि जो पाउडर्ड गुड़ हमें मार्केट में मिलता है, मैंने वो लिया है, और इसे हम विस्क की मदद से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और फिर हम इसमें ऐड करेंगे 60 ग्राम्स रिफाइंड ऑयल, और अच्छे से हम इसे कंबाइन कर लेंगे। 1 टीस्पून वनीला एसेंस और 1 टेबलस्पून दही, इन सारे इंग्रेडिएंट्स को हमें अच्छे से विस्क कर लेना है। और अब हम इसमें डालेंगे अपने ड्राई इंग्रेडिएंट्स। हमें इसे ओवर मिक्स नहीं करना है, बस इसे सिर्फ हमें कंबाइन कर लेना है। इसका जो बैटर है बहुत ही थिक बनता है, एकदम लंपी बैटर बनता है, तो अब हम इसे स्पैचुला की मदद से ही अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये मफिन्स बहुत ही हेल्दी बनते हैं, सिर्फ हमने यहाँ 2 टेबलस्पून चीनी यूज़ की है, बाकी हमने इसमें जागरी पाउडर ही यूज़ किया है। और अब हम इसमें ऐड कर देंगे अपने ठंडे किए हुए एप्पल्स। बस इसे हल्के हाथ से हम इसे मिक्स कर लेंगे, और बस हमारा जो बैटर है वो रेडी है। हमारा बैटर इसी तरीके का थिक रहेगा। मैंने कपकेक लाइनर सेट कर लिए हैं, और अब हम इसमें आइसक्रीम स्कूप की हेल्प से बैटर को हम इसमें पोर कर लेंगे। ये देखिए, कुछ 3/4 ही हमें बैटर इसमें भरना है, और इसे हम आलमंड फ्लेक्स के साथ गार्निश कर लेंगे, और इसे बेक करेंगे 170 डिग्री पर 15 से 18 मिनट के लिए। और इससे हम कुछ 11 से 12 मीडियम साइज़ के मफिन्स बना सकते हैं। तो ये मैंने बड़ा मफिन ट्रे ले लिया था, और ये देखिए बहुत ही हेल्दी ओट्स एप्पल रोजमेरी मफिन्स हमारे रेडी हैं। मैं इसे कम्प्लीटली ठंडा होने दूँगी, और ये देखिए बहुत ही यूनिक, डिफरेंट, हेल्दी ओट मफिन्स रेडी हैं। तो एंजॉय करें अपनी फैमिली के साथ।